मित्रों, आज कोई राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल लेकर मैं यहाँ नहीं आई थी। संत ज्ञानानंद जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलने आया था गोवंश संवर्धन के लिए, गोवंश रक्षण के लिए। आपको शायद याद होगा 16 मार्च 2010 को 8 करोड़ 35 लाख हस्ताक्षर लेकर के संत ज्ञानानंद जी ही उस समय की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से मिले थे। और वो 8 करोड़ 35 लाख हस्ताक्षर एक यात्रा के दौरान इकट्ठे किए गए थे, जो यात्रा 108 दिन तक चली थी, गौ रक्षण के लिए, गोवंश संवर्धन के लिए। लेकिन तब से लेकर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि वर्तमान राष्ट्रपति जी से हम जाकर मिलें, उन हस्ताक्षरों की भी बात करें और उन्हें इस बात से भी अवगत कराएं कि भारत में आज़ादी के बाद 120 करोड़ गौएं थीं, जो आज घटकर मात्र 16 करोड़ रह गईं और 80 ब्रीड्स गायों की समाप्त हो गईं। और एक सरकारी आकलन के अनुसार 2021 तक गाय समाप्त हो जाएगी। अलग अलग पशु पक्षियों के लिए रक्षण बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन गाय के संरक्षण का कोई बोर्ड नहीं है। गौ हत्या अवैध तरीके से जारी है, इसलिए आज हम सब आए थे। संत ज्ञानानंद जी बहुत पहुँचे हुए संत हैं और गोवंश संवर्धन का काम कर रहे हैं। उनके साथ जितने भी हमारे साथी यहाँ आए हैं वो सब इसी पुण्य कार्य में लगे हुए हैं, तो उनको लेकर मैं आई थी आज महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने। और उनको हमने कहा कि वो इस बारे में सरकार को सलाह दें कि एक और काउ प्रोटेक्शन बोर्ड, गौ संरक्षण बोर्ड, जो अभी तक नहीं बना है, पहले बना था समाप्त हो गया, वो पुनः बनाया जाए और सरकार गोवंश संवर्धन के लिए विशेष उपाय करे।